माय गॉड, कहाँ छुप कर बैठा था। सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आ चुका हूँ एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ और आ चुका हूँ पोचन की। आज की वीडियो आप लोग को बिल्कुल देखनी चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में खतरनाक खतरनाक रिएक्शन निकलवाया हूँ टीममेट का। यार बंदे को मारा हूँ और कसम से एकदम इंटेंस सिचुएशन से निकला हूँ और टीममेट्स को भी निकलवाया हूँ। एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि भाई बुलेट ही खत्म हो जाती है, सामने पूरी स्क्वाड हो जाती है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। फिलहाल यहाँ बंदे का फुटस्टेप आई थी, भाई को निपटा देते हैं। और यार एक क्वेश्चन है, आप लोग यार वीडियो देखते हो, कमेंट क्यों नहीं करते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो? यार मतलब खराब बनाता हूँ क्या? नहीं डालो वीडियो, बोलो नहीं डालता हूँ, वो भी कमेंट करके बता दो नीचे कम से कम। फिलहाल उस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं ये वाले बिल्डिंग में आता हूँ क्योंकि इधर से फुटस्टेप आई थी मुझे। बट थोड़ा यहाँ पे जांच पड़ताल करने के बाद मालूम चलता है कि कोई है भैया जो कि मेरे पे गलती फायर कर रहा है, वो भी यूजी से। इतने में फुटस्टेप ऐसी आती है कि एक बंदा रश करने लगता है तो निपटाते हैं उसको। तो इस भाई को फिनिश करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई थी, भाई को आराम से निपटा दिया था। और बगल में थोड़ा टीममेट्स वगैरह भी उछल रहे हैं तो थोड़ा जाते हैं उनके पास बचाने के लिए टीममेट्स को। और वैसे टीममेट ने बुलाया था मुझे कि भाई आ जाओ बचा लो मुझे। अब यार देखो ये जो बंदा होता है भाई एकदम टीम से अपना हट के आया था मुझे फिनिश करने, लेकिन उसको निपटा दिया था। बाकी इसके टीममेट्स कहीं मंडला रहे हैं तो थोड़ा जाते हैं उनको भी फिनिश करने के लिए पकड़ पकड़ के। फिलहाल टीममेट के बस में भाग के ज्यादा होता हूँ, इतने में यहाँ से मुझे फुटस्टेप आती है और शायद से इसके टीममेट मिल गए मुझे। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सबको फिनिश कर दिया था, बस यहाँ से निकल के जाना था और बंदों को हंट करने के लिए। लेकिन इतने में अचानक से भैया कहीं से गोली चलती है, 3 नंबर टीममेट नॉक हो जाता है। तो 3 नंबर को रिवाइव भी देना है और 3 नंबर का बदला भी लेना है, तो बस देखो यार कमाल। तो यहाँ पे इन दोनों को निपटाने के बाद टीममेट का बदला पूरा हो चुका था, साथ ही साथ मुझे किल मिल चुकी थी, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। इन लोग को निपटाने के बाद इसके लास्ट का जो टीममेट बच रहा होता है हम लोग उसको नहीं खोजते हैं। यहाँ से मैं निकलने का सोचा था, चलो भाई यार स्कूल जाते हैं, लेकिन इतने में भाई नेटवर्क चल जाता है। रीज्वाइन करके जब मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे पाता हूँ खुद को और मेरे सामने मेरे 2 टीममेट नॉक होते हैं और ये बंदा मेरे तीसरे टीममेट को भी नॉक करने के फिराक में था, लेकिन भाई को फिनिश कर दिया था जाके और टीममेट को रिवाइव वगैरह भी कर देते हैं। और उस वाले बंदे के पास से मुझे फ्लेयर गन मिल जाती जो कि मैं चला देता हूँ और थोड़ा जाकर मैं आसपास चेक करने लगता हूँ कोई बंदा दिख जाए, जब तक फ्लेयर नहीं आ रही तब तक निपटा दूँ। और ये मिलता है जिसको यार टीममेट ही फिनिश कर देते हैं, मतलब इतना डैमेज दिया मैं, एक बुलेट हमारे टीममेट लेकर चले गए। फिलहाल यार पुचन की आता हूँ, ड्रॉप आ चुका होता है अपना और साथ ही साथ यहाँ पे कोई बंदा आया था जिसके पास में फ्लेयर थी, वो आने के साथ यार चला देता है। अब देखो यार यहाँ पे 2 फ्लेयर आने वाली है तो चांस ये भी है भैया कि हमारे अलावा भी कोई टीम यहाँ पे आएगी हम लोग को मार के लूट्स वगैरह लेने के लिए, तो हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा कहीं थर्ड पार्टी वगैरह ना हो जाए और साथ ही साथ तो कोई फोर्थ पार्टी भी ना करते। फिलहाल जो बंदा सामने आया है पहले उसको पकड़ते हैं, फिनिश करते हैं उसको, देखते हैं उसके बाद जो टीम यहाँ पे आएगी। फिलहाल सामने मुझे फुटस्टेप आ गई तो यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ नेट वगैरह से मारने का। एक मैं नेट फेंकता हूँ, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन दोबारा जब मैं मॉली फेंकूंगा तो बस तुम देखो कमाल। डेंजर अहेड। वॉच आउट।
अब यार बंदे एकदम कैंप करके रखे थे, अब मुझे मार देते हैं, तो इसका बदला लेने के लिए मैं दोबारा पुनर्जन्म लेके ये वाली जगह पे ही आता हूँ। और सामने एक फुटस्टेप आती है, तो देखो कैसे निपटाते हैं उसको। इस बंदे को नॉक करने के बाद मेरे मन में थोड़ा सा खुदा पालती आइडिया आता है कि इसको मुक्के से मारते हैं, अपने टीममेट्स वगैरह को ये बुलाएगा तो उसके टीममेट वगैरह को भी फिनिश करेंगे। लेकिन इसके आसपास यहाँ पे कोई नहीं होता, तो इसको निपटा के हम लोग यहाँ से निकलते हैं थोड़ा आगे साइड में। इतने में स्मोक दिखता है मुझे और यहाँ पे पहाड़ी के साइड से UMP की आवाज़ आती है, तो मैं सीधा पहाड़ी वाले पे फोकस करता हूँ और एक बंदा वहाँ पे मुझे दिख भी जाएगा। बगल में USB थी, तो सबसे पहले बंदे को फिनिश करते हैं, उसके बाद US को फोड़ के सीधा रश करते हैं उनके ऊपर। देखो यार बंदे इतने हरामी होते हैं कि यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक को यहाँ पर से गाड़ी से उतार दिया था और उसको मेरे को नॉक करना था जैसे तैसे करके। तो सबसे पहले मैं उसको नॉक कर डालता हूँ और ये बात यहाँ पे मुझे अच्छे से मालूम थी उसके टीममेट उसको बचाने आएंगे, लेकिन मेरे टीममेट भैया इतने वहां है कि मेरे को डरा रहे होते कि पीछे पहाड़ी पे कोई बंदा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डरा हुआ भी था, लेकिन सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, स्मोक होता है यहाँ पे और जैसा कि मैंने बोला था उसकी टीम का एक मेंबर उसको आएगा बचाने के लिए, तो उसको यहाँ पे मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ कि वो पहले जाके हील करे ना कि रिवाइव करे। और यहाँ पे भैया तीसरे को मारने में मेरी बुलेट ही खत्म हो जाती है। फिलहाल चौथा बंदा सामने है, देखो सीन यहाँ पे। चार नंबर बंदे का मार्क ला कितने तेरे पास ही है भरावा, मार्क ला बंदे है कितने का। डेंजर अहेड, बंदा देख गया भरा। अब इनकी स्क्वाड को फिनिश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, तो आराम से फिनिश किया। उसके बाद यहाँ से निकल के हम लोग गए रिकॉल टावर, क्योंकि यहाँ पे बंदे फाइट कर रहे थे और हम लोग को करना था थर्ड पार्टी। तो थोड़ा सा यहाँ पर से मैं देखता हूँ सिचुएशन क्या है, उसके बाद भाई चढ़ जाता हूँ इस वाले घर के छत के ऊपर और क्या ही एंगल निकाल के मारता हूँ इन लोग को, तुम बस देखो। अब इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद मैं जाता हूँ सीधा छत के ऊपर देखने के लिए अगल बगल कोई सांप तो नहीं बना, बट इसके अलावा यहाँ कोई नहीं होता, तो इसको फिनिश करते हैं। लेकिन इतने में चर्च की तरफ से गलत डैमेज पड़ता है मेरे पर, तो थोड़ा सा पहले हील करते हैं उसके बाद निपटाएंगे उन बंदों को। और जोन भी छोटा हो रहा था, तो हम लोग ये वाली लोकेशन प्रीफर करते हैं आना। और यहाँ पे आने के बाद मालूम चलता है ये छोटा वाला जो घर बना हुआ है, शेक बना हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा है जो कि कैंप कर रहा है, तो निपटाते हैं इस बंदे को। पहले मैं यहाँ पे मैंने मौली मारा था कि इस उम्मीद में कि बंदा का दरवाजा फटे बंदा मरे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे मैं एक नेट मारता हूँ इस उम्मीद में कि अब कुछ हो जाए। लेकिन भैया रेगुलर किस्मत खराब है, अब कुछ भी नहीं होता, तो सोचा यार लास्ट नेट बचा हुआ है इसको भी मार के देख ही लेते हैं क्या ही हो जाएगा। तो इसको मार के यहाँ से मैं जाता हूँ अपने टीममेट के पास में, लेकिन ये नेट कमाल का होता है, बंदा मर जाता है और टीममेट बताते हैं कि चर्च पे बंदे हैं और मेरे पास Kar-98 है। क्या ऐसे शोर करने के लिए रखा हूँ, क्या मारने के लिए रखा हूँ बंदे को, यहाँ पे मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ। लास्ट का बंदा बचता होता है जो कि अपनी लोकेशन खुद ही दे देता है फायर करके, तो निपटाते हैं उसको। आओ भाई दिखाता हूँ कहाँ छुप के बैठा था। हाँ तो हाँ गाइज, आज की वीडियो में बस इतना था। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आज का लाइक है मगर एक लाइक का है, तो होप्स आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।
Girls with the nails done.